Hello everyone, so welcome back to the second lecture of sound. In the previous class we have already learned about what is sound and the characteristic of sound. In today's class we are going to learn about music and noise and also about the musical instrument. So start करते हैं सबसे पहले music किसको बोलते हैं. देखिए हम यहाँ पे compare करके पढ़ रहे हैं music और noise को साथ में. इससे क्या होगा आपको समझने में चीज को बहुत easy हो जाएगा. तो चलते ये start करते हैं music किसको बोलते हैं. Sound एक ऐसा sound जो आपको सुनने में क्या हो pleasant feel हो वो क्या कहलाता है music कहलाता है. Noise इसके respect में क्या होगा alter मतलब जो आपको unpleasant इरिटेशन फील हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं नॉइज बोलते हैं. तो पहला जो हम लिखे हैं देखिए साउंड प्लेजेंट टू आवर एयर इज कॉल्ड म्यूजिक. एग्जांपल बहुत सारे हैं हम लोग साउंड ऑफ वायलिन लिखे ठीक है. और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं. कोई भी सोर्स ऑफ साउंड हो जो आपको सुनने में अगर प्लेजेंट होगा तो वो म्यूजिक के कैटेगरी में आएगा. और नॉइज क्या होता है जो अनप्लेजेंट होता है. एग्जाम्पल्स में एक एग्जाम्पल्स यहाँ पे लिखा हूँ साउंड ऑफ अ ट्रैफिक. ट्रैफिक में देखिएगा इरिटेशन फील होता है तो वो क्या आ गया नॉइज के कैटेगरी में आता है. चलिए उसके बाद जो होता है जो म्यूजिक होता है ना प्रोड्यूस ड्यू टू रेगुलर वाइब्रेशन. रेगुलर का मतलब होता है एक पीरियोडिक मतलब कंटिन्यू रहेगा. अचानक में साउंड बढ़ गया कम हो गया ऐसा कुछ नहीं. वो क्या है एक पीरियोडिक वाइब्रेशंस की वजह से जो साउंड क्रिएट होता है उसको म्यूजिक बोलते हैं. और नॉइस में क्या जाएगा प्रोड्यूस ड्यू टू इररेगुलर वाइब्रेशन मतलब सडननेस बहुत काम क्या हो गया सडनली बहुत कम हो गया साउंड और उसके बाद बहुत ज़्यादा हो जा रहा है ऐसा अल्टरनेट हो रहा है. कोई इसका कोई फिक्स नहीं है तो वो क्या चला जाएगा आपका नॉइस के कैटेगरी में आएगा. चलिए अब हम आते हैं वेव फॉर्म. हम आपको वेव फॉर्म में बता चुके हैं साउंड क्या हो गया एक वेव के फॉर्म में ट्रैवल करता है. तो वो वेव आपको बताया था एम्पलीट्यूड क्या होता है वेवलेंथ क्या होता है उसी को हम लोग देखते हैं. तो साउंड जो आपका म्यूजिकल म्यूजिक जो होता है ना उसका वेव फॉर्म होता है रेगुलर होता है. रेगुलर का मतलब कहीं पे ब्रेकिंग नहीं कंटिन्यू आपके एक स्मूथ चल के चला जा रहा है. लेकिन आपका नॉइज क्या होता है इररेगुलर होता है. देख रहे कहीं हीज हैज हेजी टाइप का है मतलब एक इररेगुलर पैटर्न को फॉलो कर रहा है. कहीं अचानक बढ़ जा रहा है कहीं कम हो जा रहा है कहीं ब्रेक हो जा रहा है ऐसा कुछ. तो ये आपका वेव फॉर्म हो गया. उसके बाद देखते हैं एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी. आपको पता है एम्पलीट्यूड मतलब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फॉर मीन पोजीशन. फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ वेव इन वन सेकेंड. डू नॉट चेंज सडनली. यहाँ पे कोई सडनली कोई ऐसा नहीं कि चेंजेस हो जाएगा. एक पैटर्न के हिसाब से आहिस्ता से अगर चेंज भी होता तो एक स्लोली पैटर्न से चेंज होगा. और अगर क्या नाम है लेकिन यहाँ पे एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी जो होता है नॉइस के केस में वो सडनली चेंज हो जाएगा. अचानक में कोई भी एकदम एक सॉन्ग है अचानक में आप वो बहुत तेज में भी सुनिएगा तो आपको एक इरिटेशन फील होगा तो वो आपका क्या आएगा नॉइस के कैटेगरी में आएगा. तो ये अगर आपको ऐसे सिर्फ म्यूजिक के बारे में आए तो तीन चार पॉइंट्स ऐसे लिख सकते हैं. नॉइस के बारे में आए तो तीन चार पॉइंट लिख सकते हैं. और अगर डिफरेंस आए तो आप क्या करोगे यहाँ से बीच ये सारा पॉइंट लिख के या बीच में लाइन दे देना या आपका डिफरेंसेस भी आपका हो जाएगा. Now, depending upon the vibration, we can classify the musical instrument into three categories. Wind instrument, और आपका क्या है string instrument और percussion instrument, जिसको हम लोग membrane instrument भी बोलते हैं. चलिए अब हम लोग इसके बारे में डिटेल में देखेंगे. आपको देखिए बुक में बहुत सारा पॉइंट्स लिखा है उतना करने की ज़रूरत नहीं है. आपको सिर्फ दो चार पॉइंट्स है उसको एकदम नोट डाउन कर लीजिएगा बुक अपने कॉपी में. इससे ज़्यादा और आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं. देखिए अब अलग अलग देखते हैं विंड इंस्ट्रूमेंट में साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है मतलब म्यूजिक कैसे प्रोड्यूस हो रहा है. तो विंड इंस्ट्रूमेंट से में साउंड प्रोड्यूस ड्यू टू द वाइब्रेशन ऑफ एयर कूलम. विंड इंस्ट्रूमेंट में आपका एयर जाता है इनसाइड और वो वाइब्रेशन होता है और साउंड प्रोड्यूस करता है. जैसे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट में देखे हम लोग ब्लो करते हैं एयर वो एयर इनसाइड जाता है इंस्ट्रूमेंट में और एक तरह का साउंड क्रिएट करता है. तो विंड इंस्ट्रूमेंट में जो प्रोड्यूस होता है साउंड ड्यू टू द वाइब्रेशन ऑफ एयर कूलम कहां पे वाइब्रेट होगा इनसाइड द इंस्ट्रूमेंट हो गया. एग्जाम्पल्स देखते हैं आप लोग पता ही एग्जाम्पल्स है नाई वगैरह हो गया फ्लूट हो गया ये सब के अंदर हम लोग ब्लो करते एयर जाता है वाइब्रेट होता है और एक तरह का साउंड प्रोड्यूस होता है. चलिए स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट में स्ट्रिंग से समझ में आ रहा है आप गिटार सितार में देखेगा स्ट्रिंग लगा रहता है जब हम प्लग करते हैं तो क्या होता है साउंड प्रोड्यूस होता है. तो ये क्या होगा साउंड प्रोड्यूस ड्यू टू द प्लकिंग स्ट्राइकिंग और बाय ड्रॉइंग अ बो ओवर द स्ट्रिंग. हम लोग बो वायलिन में देखे ड्रॉ करते हैं तो ये चाहे तो स्ट्राइक करेगा चाहे प्लग करेगा और चाहे बो को आपका क्या करना होगा ड्रॉ करिएगा किसके ऊपर स्ट्रिंग के ऊपर. तो एक तरह का साउंड जो प्रोड्यूस होता है उस तरह का जो इंस्ट्रूमेंट होगा उसको हम लोग स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट बोलेंगे. एग्जाम्पल्स तो बताए सितार गिटार वायलिन वगैरह हो गए ठीक है. नाउ
मेम्ब्रेन इंस्ट्रूमेंट जो है वो क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस, ये भी आपको पता है। इसमें क्या होगा, हम लोग मेम्ब्रेन के ऊपर स्ट्रक करते हैं तो क्या होता है, एक तरह का साउंड क्रिएट होगा। तो मेम्ब्रेन का वाइब्रेशंस की वजह से होगा साउंड प्रोड्यूस ड्यू टू द वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग क्या है, स्ट्रेच मेम्ब्रेन ऑन बींग स्ट्रक। ये आप देखेंगे सर, बहुत सारे एग्जाम्पल्स इसका हम लोग डेली लाइफ में देखते हैं, ढोलक, ताशा और तबला हो गया, ड्रम हो गया, ये सारा जो एग्जाम्पल्स है वो आपका प्रिक्यूशन इंस्ट्रूमेंट या जिसको हम लोग मेम्ब्रेन इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। चलिए और एक दो पॉइंट्स आपको यहाँ पे, आपको वेन इंस्ट्रूमेंट और स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में जानना होगा। ठीक है, वेन इंस्ट्रूमेंट में अगर हम लोग कोई भी फ्रीक्वेंसी को चेंज करना चाहते हैं तो हम लोग फ्रीक्वेंसी या पिच को चेंज करना चाहते हैं तो हम लोग एयर कूलम का लेंथ को डिक्रीज और इंक्रीज करते हैं, तो उससे आपका क्या होता है, वेन इंस्ट्रूमेंट का फ्रीक्वेंसी चेंज होता है और कम होता है। बांसुरी देखिएगा, हम लोग एक ऐसे हाथ रखते हैं ना, तो देखिए कभी ये छोड़ते हैं तो एयर कूलम का लेंथ क्या होगा, कम हो गया, उसके बाद ये छोड़ेंगे तो थोड़ा ज़्यादा हो गया, लास्ट वाले छोड़ेंगे तो देखिएगा एयर कूलम का क्या होगा, लेंथ सबसे ज़्यादा हो जाएगा। एयर कूलम का लेंथ जितना बढ़ता है ना उसका पिच उतना ही कम होता है, मतलब वो उतना हार्ड साउंड होता है। जितना कम एयर कूलम का साइज उतना सुरीला साउंड होता है, पिच उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है, तो आपका क्या है, द पिच एंड द फ्रीक्वेंसी कैन बी वेरी बाय चेंजिंग द लेंथ ऑफ द वाइब्रेटिंग एयर कूलम। ये तो समझ में आ गया। और इसमें आपको एक चीज याद रखना है, जितना एयर कूलम जो है आपके, एयर कूलम जो हो गया मतलब इसका जितना साइज कम होगा पिच उतना ही आपका क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, अच्छा अब आते हैं सर, स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट में अगर हमको पिच वगैरह चेंज करना होता है तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उसके लिए आपको स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट में देखिएगा, आपको स्ट्रिंग जो होता है ना उसका थिकनेस अलग अलग होता है। आप गिटार वगैरह देखिएगा तो देखिएगा एक थोड़ा सा थिक होता है, उसके बाद थोड़ा थिन आपको वायर रहता है जिसको स्ट्रिंग बोलते हैं, तो वो अलग अलग आपका थिकनेस का वहाँ पे स्ट्रिंग लगा रहता है। हमको जिस तरह का फ्रिक्वेंसी का चाहिए उसको हम लोग प्लग करते हैं, मतलब स्ट्रिंग ऑफ डिफरेंट थिकनेस प्रोड्यूस द साउंड ऑफ डिफरेंट पिच। हमको पता रहता है कि हाँ ये तरह साउंड क्रिएट करना है तो इस पिच वाला, इस थिकनेस वाले आपको स्ट्रिंग को प्लग करना होगा। ठीक है, नाउ अब इसके बारे में हम लोग डिटेल में देखेंगे पूरा, इसका बहुत सारा पॉइंट्स और आपको देखना होगा। ठीक है, नाउ तो स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट पे आपको ये भी याद रखना होगा, जैसे जैसे मेरा जो थिकनेस होता है आपका स्ट्रिंग का, वो आपका अगर थिक होता जाएगा मतलब स्ट्रिंग मोटा होता चला जाएगा तो आपका क्या होगा, आपको उसका फ्रीक्वेंसी क्या है आपका कम होता चला जाएगा। थिन अगर स्ट्रिंग है तो देखिएगा थिन चीज़ को आप जैसे प्लग करते हो तो क्या होता है, वो ज़्यादा आपको वाइब्रेट होता है और मोर आपको नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी देगा, मतलब वेव देगा 1 सेकेंड में, जिसके जरिए इसका फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। नाउ अब हम लोग प्रिक्यूशन इंस्ट्रूमेंट या आपको मेम्ब्रेन इंस्ट्रूमेंट जिसको है उसके बारे में देखेंगे, उसका टाइप कितना होता है, तो वो दो टाइप का होता है, एक होता है पिच इंस्ट्रूमेंट, एक होता है अनपिच इंस्ट्रूमेंट। पिच का मतलब ही समझ में आ रहा है, उसका एक कोई ना कोई एक पिच होना चाहिए, अनपिच का मतलब उसको कोई डेफिनेट पिच नहीं होगा। तो देखते हैं द प्रोड्यूस, ये जो पिच इंस्ट्रूमेंट होता है प्रोड्यूस साउंड ऑफ मोर देन वन पिच, इसके अंदर ऐसा कैपेबिलिटी रहता है कि ये एक से ज़्यादा पिच का साउंड को प्रोड्यूस कर पाता है। ठीक है सर, वो डिपेंड करता है हम लोग को स्ट्रेच मेम्ब्रेन पे किस तरह से स्ट्रक कर रहे हैं उसके हिसाब से। अनपिच इंस्ट्रूमेंट जो होता है इसका कोई एक डेफिनेट पिच नहीं होता है, ये अनपिच इसी वजह से बोला, कोई एक डेफिनेट पिच नहीं हो रहा है, एक सेकंड में कभी आपको 50 हर्ट्ज दे रहा है, कभी 10 हर्ट्ज दे रहा है, ऐसा मतलब एक डेफिनेट कुछ नहीं है, ऐसा नहीं कि एकदम फिक्स है कि 10 दे ही पाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो प्रोड्यूस साउंड विथ नो डेफिनेट पिच हो गया सर ये, दे आर यूज टू प्रोड्यूस म्यूजिकल नोट्स, इसके जरिए हम लोग क्या करते हैं, म्यूजिकल नोट्स को प्रोड्यूस करते हैं, एंड दे आर यूज टू प्रोवाइड रिदम, इसके जरिए हम लोग सिर्फ रिदम को प्रोवाइड करते हैं। देखिएगा बहुत सारे साउंड जब प्रोड्यूस होता है तो बैक साइड में हम लोग ड्रम बजाते हैं वगैरह हो गया, तो सिर्फ एक रिदम को क्रिएट किया जाता है, तो दे आर यूज टू प्रोवाइड रिदम्स, ये हो गया सर। उसके बाद एक होता है एग्जांपल्स, अगर इसका देखेंगे ट्यूबुलर बेल्स हो गया, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स होगा, एक सिंपल एग्जांपल्स को आपके सामने रखे हैं। नाउ यहां पे आपका एक एग्जांपल्स जो लेंगे अनपिच इंस्ट्रूमेंट ड्रम, ड्रम से आपको देखिए रिदम वगैरह प्रोवाइड करने के लिए होता है, तो ये अनपिच इंस्ट्रूमेंट का आपको कैटेगरी। अगर एग्जाम में आता है कि पिच इंस्ट्रूमेंट और अनपिच इंस्ट्रूमेंट का डिफरेंस लिखना, तो आप क्या करोगे, यहां से एक लाइन कर देना, ये पॉइंट्स को 3 लिख दीजिएगा, 3 मार्क्स के लिए इनफ है।
अब हम लोग देखेंगे कि मोनोटोन किसको बोलते हैं। मोनोटोन को समझने से पहले आप ऐसा समझो कि हम लोग जो अपनी डेली लाइफ में जो साउंड यूज़ करते हैं, देखिएगा हम लोग कभी एग्रेशंस दिखाने के लिए अलग तरह का साउंड होता है, खुश होते हैं तो एक अलग तरह से, आपको कोई चीज़ मतलब टीचर्स के सामने बात करते हैं तो एक अलग टोन होता है हमारा, फ्रेंड के साथ बात करते तो अलग टोन होता है, पेरेंट्स के बाद सामने बात करते तो एक अलग टोन होता है। तो हमारा क्या साउंड जो होता है वो अलग अलग मतलब सिचुएशंस के हिसाब से हम लोग अलग पिच और अलग लाउडनेस के हिसाब से बात करते हैं। लेकिन मोनोटोन का मतलब होता है कि वो साउंड जिसका पिच और आप क्वालिटी बोल ले और आप उसका लाउडनेस बोल दे वो एकदम कभी के लिए चेंज नहीं होगा, उस तरह का साउंड को हम लोग क्या बोलते हैं, मोनोटोन। तो एक डिफिनेशन देखेंगे, साउंड विच नेवर चेंजेस गोज अप और डाउन इज कॉल्ड मोनोटोन। ना ही ये कभी तेज होगा ना ही आपको आहिस्ता होगा, एक फिक्स हो गया तो वो फिक्स से बजे जा रहा है, ठीक है। जैसे कभी कोई एक लेक्चर देता है तो देखिए एकदम शांत से दे रहा है बेचारा, तो उस तरह का साउंड जो कभी नहीं गोज अप होगा ना ही डाउन होगा और नेवर चेंज पिच, ना ही कभी वो अपना पिच को चेंज करेगा, ना ही कभी वो लाउडनेस को चेंज करेगा, ना ही कभी उसका स्पीड चेंज होगा, ना ही कभी उसका टिम्बर क्वालिटी चेंज होगा। तो उस तरह का जो साउंड होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, आपको मोनोटोन बोलते हैं। तो आई होप सो ये मोनोटोन का कंसेप्ट जो है आपका क्लियर हो गया। अब हम लोग देखेंगे कि साउंड को मेजर कैसे करते हैं। साउंड को मेजर करने का मतलब उसका इंटेंसिटी या लाउडनेस जिसको बोलते हैं उसको हम लोग मेजर कैसे करते हैं, उसके लिए कौन सा यूनिट यूज होता है। जैसे लेंथ के लिए मीटर है ना, आपको वेट के लिए केजी यूज करते हैं, तो साउंड का लाउडनेस के लिए कौन सा यूनिट यूज होता है। तो साउंड का लाउडनेस के लिए आपको जो यूनिट यूज होता है इसको हम लोग बोलते हैं डेसिबल। क्या बोलते हैं, डेसिबल, जिसको हम लोग स्मॉल में डीबी, स्मॉल डी एंड कैपिटल बी के जरिए रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये था आपको इस यूनिट से हम लोग क्या करते हैं, साउंड का लाउडनेस को मेजर करते हैं। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स याद रखना है कि हमारा मतलब ईयर जो है, हमारे कान जो है, ह्यूमन ईयर कैन पिक अप साउंड फ्रॉम 10 dB, मतलब 10 dB से आपका 180 dB तक का ही साउंड हम लोग क्या कर सकते हैं, सुन सकते हैं। कहाँ से रेंज है, 10 dB से स्टार्ट है अप टू कितना, 180 से ज़्यादा अगर साउंड क्रिएट होता है, मतलब 180 dB से ज़्यादा साउंड क्रिएट होता है तो हम लोग उसको सुन नहीं पाएंगे, या आपको 10 dB से नीचे साउंड क्रिएट होता है तो उसको भी हम लोग सुन नहीं पाएंगे। तो ये हमारा ह्यूमन का रेंज है फ्रॉम 10 dB to 180 dB, ये आपको याद रखना है ना। अब देखिए इसमें कुछ कैटेगरी किया है, इस साउंड बिटवीन 50 to 60 जो है, हम लोग नॉर्मल जो कन्वर्सेशन करते हैं, हम लोग का जो नॉर्मल आपको बात होता है वो नियर अबाउट 50 to 60 dB के अंदर रहता है। जैसे अभी हम पढ़ा रहे हैं वो आपका नॉर्मली कितना है, 50 to 60 dB के ही अंदर रेंज होता है, ठीक है ना। अब देखिएगा अप टू 80 जो डिसिबल होता है ना, हम लोग उसको टॉलरेट कर लेते हैं, चलो ठीक है यार, कोई टीचर्स देखिए या कोई आदमी स्टूडेंट होता है उसका आवाज़ बहुत तेज होता है, फिर भी अप टू 80 dB तक का हम टॉलरेट कर लेंगे, ठीक है, वो कंसिडरेबल है। उससे अबव जो हो गया ना वो हमको क्या करेगा, हार्म क्रिएट करेगा ना। अबव आपका 80 जो डिसिबल है, 80 dB से ऊपर होता है वो आपको क्या करता है, हार्मफुल इफेक्ट करता है, आपके हेल्थ पे हार्मफुल इफेक्ट करता है। तो वो क्या क्या इफेक्ट है ये भी देखेंगे। तो आपको ये समझ में आ गया कि हमारा नॉर्मल हियरिंग प्रिस्क्रिप्शन क्या से कहाँ तक है, 10 to 180 है आपका डिसिबल, और 10 से मतलब 50-60 तक हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, नॉर्मल कन्वर्सेशन करते हैं, अप टू 80 तक हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम टॉलरेट कर लेंगे, 80 से अबव हुआ तो हमारे लिए हार्मफुल इफेक्ट होता है ना। वो क्या क्या हार्मफुल है, हेल्थ का जो आपको इफेक्ट होता है वो कौन कौन सा है, देखिए फीलिंग एग्रेशंस, बहुत सारे आदमी देखिए स्टूडेंट हो गए या टीचर हो गए, बहुत सारे आदमी हमेशा देखिएगा एग्रेशन में रहता है, उसको एंग्जाइटी फील होता है, उसको स्ट्रेस रहता है, बहुत सारा स्ट्रेस ले लेता है, वो एक समझिए साउंड का आपको लेवल जो है ना वो अबव 80 अगर से अबव ज़्यादा देर तक उस जगह पे है जहाँ पे आपका साउंड अबव 80 क्रिएट होता है तो उसको मेंटली और हेल्थ से बहुत सारा प्रॉब्लम हो रहा है, उसमें आपको देखे उसको एंजाइटी फील होगा, एग्रेशन होगा, वो स्ट्रेस पे रहेगा, उसको आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, उसका हार्ट का प्रॉब्लम हो सकता है, और आपको उसका इफिशियंसी ऑफ वर्क जो है ना, आप जो काम नॉर्मल इंसान आपको एक घंटे में करेगा वो हो सकता है उसको टाइम ज़्यादा लगे, तो इफिशियंसी ऑफ वर्क जो होता है वो रिड्यूस हो जाता है आपका। और अगर कंटिन्यू बहुत दिन तक अगर बहुत सारे समय के लिए उस साउंड को सुनता रहे तो आपका क्या होगा, लॉस ऑफ हियरिंग हो सकता है, वो आपका ये सारा इफेक्ट है किसा अबव 80
जो डेसिबल है उससे ज़्यादा साउंड को सुनने के लिए। नाउ अब हमारे डेसिबल लेवल ऑफ सम कॉमन साउंड जो है, हम लोग को जो डेली लाइफ में कॉमन जो चीज़ होता है उसके लिए कुछ एक रेंज जो है, देखिए वो क्या है आपका, रस्टिंग ऑफ लिप्स, जब मतलब हवा जब मतलब एयर के ब्लो होने की वजह से रस्टिंग ऑफ एयर लिप होता है उसमें कितना आपको देखे तो आपका डेसिबल जो है वो नियर अबाउट इतना है कि हम सुन पाते हैं, तभी तो 10 से स्टार्ट हो रहा है, 10 टू 12 डेसिबल होता है। नाउ विस्परिंग, जैसे देखिए आप लोग क्लास में क्या करते हो, एक दूसरे में आपस में बात करते हो ना, विस्पर करते हो, तो उसका जो साउंड का रेंज होता है देखिए 20 टू 25 डेसिबल होता है। नॉर्मल कन्वर्सेशन का साउंड कितना है आपका, डेसिबल रेंज कितना है आपको 60, देखिए बहुत सारी जगह बुक में लिखा है 50 टू 60, बहुत सारे बुक में लिखा है 60 टू 65 और 70, तो कोई एक नहीं रेंज, नॉर्मल रेंज 60 लिख दीजिएगा, 60, 67, 70 के अंदर में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, ये करेक्ट हो जाएगा। ना स्ट्रीट ट्रैफिक मतलब बिजी स्ट्रीट ट्रैफिक होता है, बहुत सारा जाम होता है, तो वहाँ पे जो साउंड होता है देखिए पें पें बहुत सारा जो हो रहा है वो जो साउंड होता है आपका कितना रेंज का होता है, ये भी हमको इरिटेशन स्टार्ट होता है लेकिन टॉलरेट कर लेते हैं लोग, तो वो कौन सा है देखिए 70 टू 80 तक आप कर सकते कंसीडर कर सकते हैं। नाउ अब देखिए हमारा जो हेडफोन यूज़ करते हैं, देखिए हेडफोन आप जब यूज़ करिएगा तो वॉल्यूम जब आप बढ़ाइएगा देखिएगा एक टाइम आता है ये मैक्सिमम लिमिट, उसके बाद आपको एक नोटिफिकेशन आता है, वो मतलब 70 तक का जाने के बाद एक नोटिफिकेशन देता है कि हाँ ये आप इससे ज़्यादा करोगे तो आपको ये होगा। फिर भी अगर हम लोग साउंड बढ़ा देते हैं तो आपका क्या हो जाता है, फुल वॉल्यूम में जब हम लोग सुनते हैं हेडफोन से तो आपका कितना होता है 100 प्लस हो जाता है, 100 टू 155 और 110 डेसिबल तक का रेंज चला जाता है। और अगर हम हेयरफोन हमेशा यूज़ करते हैं इस फुल साउंड में तो आपको देखिए ये सारा प्रॉब्लम्स होता है, एंजाइटी हमेशा स्ट्रेस में रहिएगा, आपको हार्ट का प्रॉब्लम हो सकता है, आपका वर्क का एफिशिएंसी है वो लो हो सकता है, आपको लॉस ऑफ हियरिंग हो सकता है, आपको स्लीपिंग डिस्टर्बेंस हो सकता है। तो इस वजह से खास करके स्टूडेंट आप लोग जो है अभी मोबाइल बहुत यूज़ करते हैं, तो आपके लिए एकदम ये समझिए बहुत वाइटल चीज़ आपको यहाँ से सीखना है कि आप अगर वॉल्यूम यूज़ भी करते हो हेडफोन तो उसका साउंड को एकदम मिनिमम रखो, इतना कि आप सुन पाओ, ज़्यादा तेज़ सुनने से बहुत सारा प्रॉब्लम होता है। देखिए आजकल के बच्चे इसी वजह से बहुत हमेशा देखिएगा एग्रेशन पर रहते हैं, हमेशा उनको कभी डिप्रेशन होता है, एग्रेशन होता है, कभी स्ट्रेस में रहते हैं, तो ये सब एक रीजन से है कि हेडफोन वगैरह जो है हम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, मोबाइल बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो ये एक प्रॉब्लम क्रिएट होता है। नाउ एक देखिए और आपका है जेट एयरक्राफ्ट जो है उसका भी आपको इस जो रेंज होता है डिसेबल रेंज वो 132 प्लस रहता है, 140 तक रहता है। तो आई होप सो ये पूरा साउंड का जो चैप्टर है उसका इच एंड एवरी थिंग आपको समझ में आ गया होगा। इफ़ यू स्टिल हैव डाउन आपके डाउट तो आपके लिए क्या करना है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, आई विल ट्राई टू सॉल्व इच एंड एवरी डाउट्स ऑफ यू। थैंक यू।